हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। इससे पहले स्टूडेंट का डेटाबेस का टेम्पलेट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बताया था। आज की ये वीडियो इन्वेंटरी को लेकर के, तो चलिए आइए बात करते हैं इन्वेंटरी की यानी स्टॉक मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेता हूं यहां से। अब ये देख सकते हैं कि इन्वेंटरी का डेटाबेस मेरे पास पहले से मौजूद है। ये हम डाउनलोड कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो यहां से आप बाहर आ जाइए, क्लोज यहां से भी कर देता हूं। अब देखिए ओपन कैसे करना है, यहां स्टार्ट बटन पे जाइए आप, और स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये एक्सेस दिख रहा है आपके, मैं अगर ना दिख रहा हूं तो एमएस एक्सेस सर्च कीजिएगा या फिर एक्सेस सर्च कीजिएगा, यहां पर आ जाएगा और उस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। तो अभी देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो चुका है और यहां पर आपको टेम्पलेट्स दिखाई पड़ेंगे। तो यहां पर गिने चुने टेम्पलेट्स दिखाई पड़ रहे हैं जो हमने डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का डेटाबेस जो हमने डाउनलोड किया था, आपको दिखाया था वो यहां से टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था यहां मोर टेम्पलेट पे जाकर के। इसी तरह से इन्वेंटरी का भी डाउनलोड कर रखा है हमने, आपको कैसे ये डाउनलोड करना है, मोर टेम्पलेट्स पे जाना है और यहां पर ये जो बॉक्स बना हुआ है यहां पर आपको सर्च करना है इन्वेंटरी। अब देखिए यहां पर अलग अलग तरह के सर्चेस दिए हुए हैं, आप किस किस तरह की चीजें सर्च कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, बिजनेस के लिए लॉग्स बना सकते हो, इंडस्ट्री के लिए बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, पर्सनल बना सकते हो, कॉन्टेक्ट का डेटाबेस बना सकते हो। तो अलग अलग तरह का डेटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप नीचे भी देख सकते हैं बहुत सारे डेटाबेस आपको बने बनाए मिल जाएंगे। अगर आपको रियल एस्टेट के लिए चाहिए तो यहां से बना सकते हो, ठीक है। अभी हमें इन्वेंटरी चाहिए, तो इन्वेंटरी कहां मिलेगी, तो इन्वेंटरी के लिए हमें यहां पे सर्च करना है इन्वेंटरी। क्या सर्च करना है, इन्वेंटरी। आपको स्टॉक नहीं सर्च करना, आप सीधा सीधा इन्वेंटरी सर्च कीजिए और यहां पे इन्वेंटरी जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको इन्वेंटरी का डेटाबेस यहां पे नजर आ जाएगा। ये देखिए यहां पे इन्वेंटरी का डेटाबेस है, इस पे क्लिक कीजिए और इसे आप कर लीजिए डाउनलोड। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ क्रिएट आ चुका है, यहाँ पे क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक और ये होने लगेगा डाउनलोड, ठीक है, थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, तो ये किस किस तरह से इसे बनाया गया वो दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे इंप्लॉइज की डिटेल है, यहाँ सप्लायर की डिटेल है, फिर नीचे एक सपोर्ट ऑब्जेक्ट करके है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल। अब ये इंप्लॉय का टेबल है, तो टेबल तो बनाना बहुत ही आसान है, मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि कैसे हम टेबल बना सकते हैं। यहाँ कंपनी का नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, बिजनेस फोन और ये तमाम चीजें यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ एक फिल्टर बनाया गया, फिल्टर के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये फिल्टर इस तरह से ये टेबल बनाई गई है। फिर ये इन्वेंटरी के नाम से एक टेबल बनी है, यहाँ पे आइटम का नेम आएगा, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, कैटेगरी क्या है उसकी वो कैटेगरी आएगी। तो कैटेगरी के बारे में भी हमने आपको बताया था कि कुछ सामान ग्रोसरी के होते हैं, ग्रोसरी यानी किराना स्टोर के, कुछ किताबें होती हैं तो वो बुक्स में चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लोकेशन है, तो लोकेशन क्या है वो चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। और फिर सप्लायर की डिटेल आएगी यहाँ पे, और फिर यहाँ मैन्युफैक्चरर और तमाम चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे इन्वेंटरी ट्रांजेक्शंस, तो ट्रांजेक्शन में कितना आपने बेच दिया, कितना खरीद लिया, ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आइटम का नाम होगा, एम्प्लॉय का नाम होगा और यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप एडिशन दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं एडिशन, रिमूवेबल, श्रिंकेज, तो ये सब चीजें दी गई हैं। तो इसमें फॉर्मूला ऐड किया गया है, ठीक है, ताकि अगर माल बिकेगा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जाएगा, और अगर आप माल मंगाते हो तो वो जो है ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीजें दी गई है। फिर यहाँ सप्लायर की डिटेल दी गई है, ये देख सकते हैं सप्लायर की डिटेल है, ठीक है। और उसके बाद से ट्रांजेक्शन टाइप, किस टाइप का ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्वेरी बनाई गई है, तो ये सारी क्वेरीज हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैक्रो बनाया गया है फिल्टर के लिए, और ये रिपोर्ट है, तो जब भी आप रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी इस तरह से, जब आप इसमें कुछ डालेंगे तो आपको रिपोर्ट भी दिखाई पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपका काम आसान होगा, और आप चाहे तो ऐसा टेम्पलेट डाउनलोड करके और खुद से कोशिश करके आप भी एक सॉफ्टवेयर, खुद से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, खुद बना सकते हैं सॉफ्टवेयर अपना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इसलिए कि आप सॉफ्टवेयर बना सके, अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाइए, दूसरे से क्यों खरीदना, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी है एक्सेप्ट एक चीज के, कि हम कैसे इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड लगाएंगे। सारी चीजें मैंने बता दी है अपने चैनल पर, वहां पर जाकर के डीबीएमएस सर्च कीजिए, आप वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी वीडियोज आपको मिलेंगी, लगभग 200 के करीब वीडियोस मैंने बनाई है इस पर आधारित, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर। तो यहां से आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर करें, और अगर इस तरह के वीडियोस की डिमांड है आपकी तो आप मुझे बताएं कॉमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।